भाग्यशाली हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ मुझे गर्व होता है कि मैं भारतवासी में रहने वाली हूँ भारतवासी की रहने वाली हूँ आपको क्या लगता है आप कहेंगे आज हमारा कोई स्वागत नहीं किया कोई नमस्कार नहीं किया कोई प्रोग्राम का नाम नहीं लिया इसलिए क्योंकि हर बार मैं अपने प्रोग्राम का नाम लेती हूँ आज हम राष्ट्रवादी कविता के बारे में बात कर रहे थे इसलिए मैं कहती हूँ कि मैंने जब तक अध्ययन किया इस कविता का तो यही कहती हूँ कि मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं भारतवासी और हर एक भारतवासी को गर्व होना चाहिए कि वो एक भारतवासी है क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था जहां तक है कहा जाता था नहीं अभी भी वो वैसा ही बन रहा है बीच में कुछ हुआ होगा वो अलग बात है लेकिन अब वो धीरे धीरे बन रहा है जैसे हमारी सरकार सुधरती जा रही है तो हमारा भारत भी सुधरता जा रहा है आजकल के युवक और युवतियाँ जो लड़के जो लड़कियाँ आगे अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं हमारी शिक्षाएं आगे बढ़ रही हैं हमारी मंजिलें आगे बढ़ रही हैं तो भारत एक सोने देश की चिड़िया है था नहीं ये गलत फहमी है कि था अभी भी है हम बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं कवि और उसकी कृति में मित्रों मैं आपका स्वागत करती हूँ चिराग किताब में से ली गई राष्ट्रवादी इस कविता का जो लेखक हैं उनका हम आइए स्वागत करते हैं यशपाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया शुक्रिया <laughs> जी हम राष्ट्रवादी के बारे में बात कर रहे थे आपने इतिहास के बारे में इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटे जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता था हाँ इतना सब जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ लड़ाई की मुग़लों के जो मुसलमान हैं उनको सा, उनके साथ लड़ाइयाँ की अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ की लेकिन क्या क्या हुआ जब हम पन्नों को पलटते हैं उसके उन पन्नों के बीच के जो लेखक लिखे हाँ। हुए जो शब्द हैं उनको सुनते हैं उनको पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारा भारत कहाँ था पहले के भारत में और अब के इस भारत में आपको क्या फर्क नजर आता है आजादी के पहले का या आज जब स्वतंत्रता के बाद का दोनों फर्क क्या है स्वतंत्रता के पहले की बात करें जी तो हम गुलाम भारत के नागरिक थे जी उस समय जो विदेशी जी जो गोरों की सरकार थी उसका यही काम था कि वहाँ पैसा इकट्ठा करो और अपने देश में ले जाओ और जो उसके बाद जो भारत बना यहाँ पर कुछ सड़क नहीं थी खास को रेले नहीं थी कोई आने जाने कोई इतने अच्छे साधन नहीं थे कोई शिक्षा के कॉलेज नहीं थे गांव गांव में स्कूल नहीं थे तो लोगों का जो स्तर था वो निम्न स्तर का था कुछ एक लोगों को छोड़ करके अमीर घरानों के ही जो लड़कियां थी वो शिक्षा पाती थी जो शेष थे वो सारे अनपढ़ थे मैं, मैं, मैंने अपने गांव में देखा कि हमें पैदल जाना पड़ता था धूल में और जो स्कूल थे वो टपरी में थे जी। एक एक अध्यापक होता था पांच पांच क्लासे होती थी हाँ। थोड़े से बच्चे होते थे जी, एक अध्यापक जी। सबको पढ़ाता था जी। और मैटर करने के बाद मैंने देखा मेरे गांव में कोई लड़की स्कूल नहीं जाती थी जब मैं अध्यापक बन रहा था और मुझे टीचर ट्रेनिंग के लिए मुझे स्कूल में मुझे मुझे अपना अपने ही गांव का प्राइमरी स्कूल दिया गया तो उस समय छोट छोटी छोटी बच्चियां स्कूल आने शुरू हुई थी यानी ये उस समय हालत थी और एक हैरानी की बात यह है जी। कि मेरे साथ जो पढ़ने वाले जो मेरे सहपाठी थे उनमें मैं अकेला था जो मैटर करके आगे निकला बाकी को तीसरे से हट गया कोई चौथी में कोई सातवीं में यानी मिडल तक भी कोई नहीं पहुंचा रीजन उसका कारण? कारण था कि जो माँ बाप थे वो इतने चैतन्य नहीं थे वो शिक्षा का मूल्य नहीं जानते थे गरीबी होने के कारण भी तो गरीबी शेक्षा? कारण गरीबी भी एक कारण था और ये कारण था कि लोग शिक्षा को ज्यादा इतना महत्व नहीं देते थे कि करना क्या है खेती बाड़ी है कुछ मजदूरी है खेती बाड़ी है हुँ, हुँ, तो इसी में अपने बच्चों को लगा यही तो करना है किंतु मेरे माँ बाप अगर मैं अपने पूर्वजों की बात करता हूँ तो मेरे जो दादाजी थे वो तहसील शकरगढ़ के टिब्बा गांव के रहने वाले थे जी, और वहा वो सैकड़ों गांव के वो साहूकार थे अपना बहुत अच्छा उनकी जमीन भी थी और पैसा था सूद का बहुत पैसा आता था तो मेरे पिता श्री किसानी जो खेती बाड़ी का काम देखते थे जब पाकिस्तान बना तो उस समय दादाजी का पैंतीस पैंतीस हजार से लेकर के चालीस हजार तक चांदी का जो रुपया था को बाहर लोगों को एक ब्याज रूप में दिया गया था उसे एक पैसा नहीं आया कुछ ऐसे लोग जिन्हें पता था कि अब जे पाकिस्तान पढ़ने वाला है नहीं, नहीं। तो वो जान बूझ करके पैसा नहीं दिया गया और दूसरा जो इधर वो इधर आए वो कोई कहाँ चला गया कोई कहाँ चला गया जी, 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 और कई लोगों के वंश जो थे वंश के वंश मर गए वो पैसा ऐसा रहा किंतु मेरे पिताजी शाही अनपढ़ रहे किंतु सोच विचार में वो बहुत ही थे आगे थे मैं सारा जीवन और आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पिताजी जैसे अपने गुण में पैदा कर, कर सकूं मैं उनमें क्या गुण थे वो बचन के पक्के थे जो वायदा करते वो पक्का होता था वो कर्मशील थे वो कहते वो व्यक्ति जिसकी जुबान नहीं है मैं उसे आदमी नहीं मानता और जो कर्मशील नहीं है वो जिंदगी में हमेशा ही मार खाता है और वो आलसी बनता है वो परिवार कभी बढ़ नहीं सकता और तीसरा जो उनमें सबसे बड़ा गुण था वो था उनमें सचरित्रता वो अपने करैक्टर के बहुत थे ये चीज़ें मुझे अपने बाप से मिली कि बचन के पक्के रहो कर्मशील जिंदगी के आखिरी सांस तक बने रहो और अपने चरित्र को बनाए रखो लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया है चरित्र बिगड़ रहा है सत्यता कहीं है नहीं तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे ये लड़के और लड़कियों का जीवन निर्माण करने के लिए केवल अध्यापकों का ही ये फर्ज नहीं है जी। उसके माँ बाप उसके माँ बाप का भी है आज बच्चों के हाथ में मोबाइल हैं और मोबाइल के बीच में क्या कुछ आ रहा है मोबाइल जो बच्चे हैं वो उनमें पॉर्न साइटें देख रहे हैं और उसमें क्या क्या आ रहा है ऐसी ऐसी गेम आ रही हैं जो बच्चे खुद ही सुसाइड कर रहे हैं सरकारें हाँ, हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में हाँ, ये सुनने को आया था हाँ, कि कोई ऐसी एक गेम फेमस हो चुकी है हाँ, हाँ, जिसे खेलते खेलते बच्चे सुसाइड भी कर हाँ, सुसाइड करते हैं तो सरकारें क्या करें माँ बाप के पास आजकल इतना वक्त नहीं है बच्चों के ऊपर ध्यान देने के लिए जो गृहणी है वो भी कमाने जा रही है जो बाप है वो भी कमाने जा रहा है तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं घर पे कोई नहीं है या नौकरानी है तो उसे क्या बच्चा उनका बिगड़े जा रहे उसे क्या फर्क पड़ता है इस बात का तो मां बाप भी अपने बच्चों के ऊपर दृष्टि रखें अध्यापक की अपने शिष्यों के ऊपर दृष्टि रखें समाज में ये नहीं है कि एक घर बर्बाद हो रहा दूसरा बच रहा है ऐसा नहीं है हर एक घर अगर एक पड़ोसी का बच्चा बिगड़ रहा है तो जो साथ वाला है वहां तक भी एक हवा जा रही है जी हर एक नागरिक का, का कर्तव्य जो चैतन्य नागरिक है जो शिक्षित नागरिक है वो इस बात का ख्याल रखे कि मेरा पड़ोसी का बच्चा जी मेरा अपना बच्चा है लेकिन कहने को सुनने को ये आता है कि नहीं आजकल तो फैशन की दुनिया है बच्चे अपने आप समझते हैं, तो पेरेंट्स उनको समझाने की कोशिश भी करते लेकिन जब बच्चे ना समझे तो क्या करेंगे आप अध्यापक एक ऐसी शक्ति है बच्चे जिसका कहना मानते हैं पिछले दिनों क्या हुआ कि हमारा छोटा बेटा मेरा पोता एक से दे करके आया घर में वो मैंने जब देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई उसमें लिखा था कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पाँच मिनट तक मोबाइल दिया जाए और बच्चों को पंद्रह मिनट से ज़्यादा उनको कार्टून ना देखने दिया जाए जी मुझे बात बहुत अच्छी लगी वजह उसकी वजह थी कि बच्चे ये जो हमारे आ, हमारे हाथ हैं मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर डॉक्टर रणवीर सिंह जी नंदा जी। तो एक दिन वो मुझसे बात कर रहे थे कि ये जो बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल बहुत ख़तरनाक चीज़ है जैसे ऐसे चलते हैं, वो हमारे खून के साथ जो सर्कुलेशन के साथ चलती है तो बच्चों की जो उंगलियां हैं वो ऐसे हो रही हैं उनकी आंखों के ऊपर असर हो रहा है उनका जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर असर हो रहा है आँखों के ऊपर असर हो रहा है इसलिए जो चैतन्य प्रिंसिपल थे डी ए बी स्कूल थी तो उसने वो जब घर पे भेजा तो मैंने उसकी माँ को दिया बेटा इसको पढ़ को देखो अब बच्चा आता है तो सबसे पहले मेरा मोबाइल पकड़ता है बाबा जी मैंने मोबाइल है मैं सिर्फ पाँच मिनट दूंगा नहीं बाबा जी छः मिनट छः मिनट कर लो छः मिनट की बजाय चलो मैं उसे दस मिनट दे, दे देता हूँ बाद में उससे मोबाइल ले लेता हूँ जिस समय बच्चा खाना खाता है हम उसे मोबाइल दिखाते हैं दस मिनट में पंद्रह मिनट तक उसे टी वी दिखाएँगे उसके बाद हमें टी वी जो है वो हम चेंज कर देते हैं खबरें लगा लेते हैं या उसका बाप कुछ और लगा लेते हैं तो ये जो बच्चों के ऊपर कंट्रोल है जी ये अध्यापकों ने भी देखना है करना है समझाना है और माँ बाप ने भी देखना है घर के जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें भी देखना है जो हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने देना है जब एक घटना में आपको और सुनाता हूँ जी जरूर नर्सरी में मैं पोते को पोते के स्कूल में गया बुलाया गया जी तो ग्रीष्मकाल की छुट्टियाँ होने वाली थी तो वहाँ पे एक फॉर्म भरना था मैंने फॉर्म भरा और जो क्लास इंचार्ज थी उसको दे दिया मैंने तो एक व्यक्ति ने मुझसे पेन मांगा मैंने इसे पहन दिया और उसके पास मैं कुर्सी पे बैठ गया तो जो उसकी बीबी मोमिया बीबी दोनों बैठे थे फार्म भरा फार्म भरते भरते मैं क्या देखता हूँ कि पोते की ही क्लास का एक बच्चा जो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा ज़्या साढ़े तीन साल का हुआ तो वो मोबाइल के साथ खेल रहा और इतनी मोटी उसने एनक पहनी हुई है तो मैंने जो मेरे पास उस बच्चे का बाप बैठा था मैंने पूछा भैया ये आपका बच्चा है हाँ जी ये मेरा बच्चा है मैं एनक क्यों लग गई हाँ जी छोटी उम्र क्यों लग गई तो जो लेडी थी उसने पेन छोड़ा कहती जी ये मोबाइल बड़ा देखता है अच्छा मैं कह मोबाइल के कारण साढ़े तीन साल में इसको बड़े नंबर की एनक लग गई और आप बड़े शौक से अभी भी उसे मोबाइल दे रहे मैडम जी आप क्या करती हैं जी मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मैं कौन कहता है आप प्रोफेसर हैं आप तो अनपढ़ से भी गई गुजरी हैं तो उसका ना थोड़ा चेहरा थो वो। वो वो साफ शब्दों में इसलिए साढ़े तीन साल की उम्र में इस बच्चे को इतने मोटे मोटे शीशे की एनक लगी आप पैंतीस चालीस के साल के बीच में आपकी उम्र है मैं आपने तो संसार देखा उसका सुख भोगा आंखों से हर तरह से मैं कि इस बच्चे ने क्या गुना गुनाह किया है जैसे आप अंधा अंधा करने के ऊपर तुली हुई है तो जो पुरुष था <laughs> वो जेंट्स बड़क पड़ा कहता है जी बेड़ा गर्क ही दा दा है। <laughs> जी, 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 जी जी ये ये उसे हटाती नहीं है <laughs> हैं? इसी का बेड़ा गर्क हुआ है बच्चे का जो हाल है <laughs> तो लेडी बेचारी चुप होगी कहें भैया आपने बड़ा अच्छा जे हमें एक सबक दिया आगे मैं करूं क्या मैं क्या देखो इस बच्चे से जकदम अगर आप मोबाइल हटाएंगे तो बच्चा मानसिक रूप से परेशान होगा आप धीरे धीरे इसका समा महीने डेढ़ महीने तक हटाते चले जाइए धीरे धीरे बच्चा दीरे। कुछ रोएगा भी धीरे धीरे जिद भी करेगा कुछ प्यार से कुछ जिरक से धीरे धीरे इसे लाइन के ऊपर लाइए और ये बच्चे ऐसी आंखों को डॉक्टर को दिखाइए इसकी आंखें पूरी तरह से दोबारा ठीक हो सकती हैं जी मेरा विश्वास है और कुछ मैंने उसे एक नुस्खा बताया वो नुस्खा था कि सेम रेशो में बादाम लीजिए कोजा मिश्री लीजिए और मीठी सौंख लीजिए जी। तीनों को ग्राइंड करके यो मिक्सचर बनेगा बच्चे को रात को सोते समय और उसमें थोड़े से काली मिर्च भी डाल लीजिए बच्चे को सोते समय वो जो मिक्सचर बनेगा आधा चम्मच दूध के कप के साथ दो ऐसे हमारे हकीम कहते हैं कि ये जो एनक है ये खाने से उतर जाती है मैं आपके बच्चे के लिए मेरे मन में एक मंगल कामना है कि आपके बच्चे की आंखें स्वस्थ हों जी अपना जीवन पूरा जिए और एनक बेगार जिए जी क्या बात है तो फिर वो उसने मेरा धन्यवाद किया कि आज आप मेरे उस्ताद हैं आज मैं नहीं जी मेरी की ड्यूटी बनती है कि मुझे ये छोटा बच्चा देख करके दुख आया जी इसे मैं अपने अपना पोता देख रहा हूँ जी मेरा मेरा पोता है जी जी आने वाली पीढ़ी का एक अहम हिस्सा है जी अच्छा ये अच्छा नागरिक बने अच्छा पढ़े लिखे अपनी जिंदगी को अच्छे तरह से जी जी बहुत अच्छा आपने आप हर बात को एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं वहाँ पे ये बात बहुत अच्छी लगती है उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगता होगा आगे आपकी जो कविता है उसके पंक्तियां हम पढ़ते हैं आपने कहा भारत माँ ने औलाद के बहिपन पर आंसू बाहे भारी मनुष्यता मनुष्यता और विवेक अपने ही थे शत्रु हो गए अपने ही थे शत्रु हो गए मिटे वंश हुआ राजरंग भागा भागी लाल खो गए डोला सिंहासन मालिक का धरती था रोया अखंड भारत मुक्ति का था दो कोमों ने सपना खोया देश भगत है देश का धन और है होते देश के प्राण इनसे बनते गौरवशाली जगत राष्ट्र उच्च महान देश प्रेमी है वतन नयन जिनसे होता जग कल्याण जिनके यत्न है स्वर्ग बनाते हर देश नर और गांव प्राण हथेली रख कर यह निज देश मुक्त कराते अपनी खुशियां और रक्त से आजादी का दीप जलाते। हाँ, मैं बात करूंगा राउल टेक्ट की पहले प्रथम युद्ध जब हुआ तो लोगों ने धन इकट्ठा करके 14 लाख और कुछ हजार जी पाउंड अंग्रेजों को इकट्ठा करके दिया था कि जे हमें आप जो जीती है और उसमें छिहत्तर और अस्सी हजार के करीब जो हमारे सैनिक थे हिंदुस्तान के वो शहीद हुए थे और इससे कहीं ज्यादा घायल हुए थे जो पहला विश्वजुद्ध हुआ hmm. इतना भयंकर युद्ध था वो और अंग्रेजों ने हमें क्या दिया अंग्रेजों ने दिया हमें रोल टैक्ट रोल एक्ट ऐसा था कि जो भी आजादी की बात करेगा जो भी हमारे विरुद्ध कोई बात करेगा उसे बिना नोटिस कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है कहीं भी रखा जा सकता है अगर कोर्ट में वो आ, अपनी अपील करता है आ, अपना केस दायर करता है तो जज सुनेगा नहीं ना दलील ना अपील ना वकील और जब युद्ध हुआ तो कीमतों के जो भाव थे वो आसमान को शुरू छूने शुरू हो गए अंग्रेजों ने अपने टैक्स बढ़ा दिए हर तरफ से जो हिंदुस्तान की जनता थी वो उसको मारा जाने लगा रोल टैक्ट का विरोध होने लगा कि हमें हमने इतने अपने जवान घुमाए हिंदुस्तान के और हमें मिला क्या इतना पैसा दिया हमें मिला क्या टैक्ट के रूप में हमें मारा जा रहा है तो सन उन्नीस सौ तेरा अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस हत्याकांड हुआ जगन्या हत्याकांड हुआ जी। तो वो उसी का एक स्वरूप था कि उन्होंने लोगों की आवाज को दबाने के लिए गोलियों का एक सहारा लिया उस समय सत्यपाल डॉक्टर सत्यपाल और एक डॉक्टर किचलू ये दो ऐसे नेता थे जिनको वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर था उसने अपने पास बुलाया और दोनों को गिरफ्तार किया उनको गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियाबाल बाग में इकट्ठे हुए थे एक प्रश्न उठता है कि जलियाबाल बाग का नाम जलियां बाग क्यों पड़ा तो इतिहास कहता है कि पटियाला जो जिला है पंजाब का को तो वहाँ का एक गाँव है जलियां वाला जी तो वहाँ का जो रईस आदमी थी उसकी जगह वो वो जो बाग वाली जगह थी वहीं पे तो वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं थी थोड़े से पेड़ थे और एक वहाँ पे कुआ था लोग आते वहाँ बैठते धीरे धीरे एक किसका बाग है जलिया वालों का बाग है तो जलिया वाला का बाग जलिया बाग जलिया बाग जलिया उस के नाम से हो गया। हाँ हम भी गए देखा हमने वहाँ पर एक कुआं है हा, हा। और जो जो जैसे जैसे गोलियाँ उनको लगी हुई है हा, हा। वो दीवारों में भी वो गोलियां लगी हुई हैं और जिस तरह से उनका कत्ल किया हुआ जैसे तलवार मारते हैं वो खून के छींटे उस दीवार में डाले हुए हैं मतलब एक बेरहमी से ही उनका कत्ल हुआ उन्होंने कत्ल हुआ हुआ है तो लोग एक वहाँ पे लोगों के बैठने का ज़्यादा कारण ये भी था कि लोग वहाँ एक कांत स्थान होने के स्थान लिए वहाँ आकर के बैठ जाते थे जी तो साथ में दरबार साहब भी है बैसाखी का देर त्यौहार था लोग स्नान करके तो कुछ आराम के बहाने वो आराम करने के लिए भी इस बाग में बैठे हुए थे उस समय व्यापारी लोग थे थे वो एक यहाँ पे अमृतसर में एक पशुओं की मंडी थी तो लोग मंडी में अपने पशु बेचने के लिए और खरीदने के लिए भी आए हुए थे तो ऐसे मिले जुए लोग थे तो लोग बहुत ज्यादा वहाँ बैठे हुए थे भाषण चल रहे थे अरो टैक्ट के विरोध में तो अंग्रेजों ने उन्नीस जो एक लगा रखी थी तो जो जनरल डायर था जो कमिश्नर था वो लोगों को एक सबक सिखाना चाहता था लोगों की आवाज़ को राउल टैक्ट के विरोध में दबाना चाहता था तो एक रास्ता था छोटी सी गली में उसमें कोई भारतीय सैनिक थे कुछ नेपाली थे उनको ला कर के उसने कहा कि उसने कोई उनको ताड़ना नहीं की कोई वार्निंग नहीं दी कि आप जहाँ से निकल जाइए कुछ नहीं आती उसने कहा शूट करो सोलह सौ राउंड गोली उस समय चली Hmm. और जो आंकड़े दिए गए सरकार की तरफ से वो ये थे कि जी बड़ी मुश्किल से साढ़े चार सौ के करीब आदमी मरे हैं और जी पाँच सौ सात सौ के करीब जो घायल हुए हैं hmm. किंतु जब आ, हमारे जो नेता थे अपना कमीशन बैठा करके जब उसकी तहकीकात की गई तो वो कम से कम एक हजार लोग मारे गए थे और hmm. उससे दुगने तिगने जो थे वो घायल हुए थे और उन मरने वालों में एक छः हफ्ते का बच्चा भी था जो बाप बच्चे को लेकर के वहां पे आया था छः नहीं छः महीने का छः महीने का बच्चा था जो वहां पे मारा गया था तो उन लाशों के नीचे ऊधम सिंह उस समय लोगों को पानी पिला रहा था जब गोलियां चली तो वो लाशों के ढेर के नीचे छुप गया था जब अंग्रेजों ने अपना काम किया पूरा चला गया तो बहुत से लोगों ने बचने के लिए नर नारियों ने कुए में छलांग लगाई और वो जो जो वहाँ पे आदमी के आदमी के ऊपर आदमी आदमी के ऊपर आदमी पता नहीं कितने सैकड़े लोग जो थे वो कुएँ में दबते गए दबते गए आगर में मर गए थे तो अंग्रेजों ने किसी घायल को कहीं पहुंचाने के लिए कोई शहर में कर्फ्यू लगा दिया था जी गली में कोई आ जा नहीं सकता था जो लोग दीवारें फादने की कोशिश करने, करने लगे उनको भी गोलियों से उड़ा दिया गया कुछ जो फाँद गए मरते गए वो भी ये सिर्फ एक अंग्रेजों ने शासन करने के लिए इतने व्यक्तियों की जान ली शासन करने के लिए लोगों ने अपनी पशुता की जो हद थी वो बो उन्होंने पार कर दी दुनिया में ऐसा कहीं ऐसा इतिहास नहीं मिलता कि बेगुनाह लोगों को बिना वार्निंग दिए बिना घोषणा किए कि यहाँ पे ही उठ जाओ हम ये काम करने वाले हैं है। तो लोग उस समय उठ जाते, उन्होंने कोई वार्निंग नहीं थी कोई सूचना नहीं थी कोई साइन संकेत ऐसा नहीं किया नहीं। वो आए और चारों तरफ से लोगों के मकान थे तो कोई भागने का कोई रास्ता नहीं था नहीं। एक ही रास्ता था जिसके ऊपर उसके सैनिक थे और मशीन का रखी हुई थी वो अपना काम पूरा करके चला गया और दुख की बात ये कि जब इसका पूरे हिंदुस्तान में एक रोश की लहर जाग गई और जो नहीं चतन था वो भी आज़ादी के लिए चेतन हो गया कि हमें आजादी चाहिए ही चाहिए और इसने ने जलिया बल बाग में एक आजादी प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा जो रोष था लोगों ने कसमें खाई कि हम दाएं हाथ से तब खाना खाएंगे जब हमारा देश आजाद होगा जो नहीं भी जानता था वो भी आजादी के संग्राम में वो पूछने पे आजादी है क्या लोगों ने जाना और फिर समूह के समूह वो गीत गाते हुए बंदे मात्रम हमें आजादी दो जे जे जालम सरकार जो है गोरी सरकार है हमें इसे टिकने नहीं देंगे तो शहीद उधम सिंह रात को निकला उस समय वो एक अनाथ बच्चा था तो वो निकला उसने कसम खाई थी माटी लेकर के कि जब तक मैं इस अंग्रेज को जिसने जो गोली चलाई है इसे मैं खत्म, खत्म नहीं करूंगा कर तब तक तक, तक, तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और फिर जाकर के उसने उसे इंग्लैंड में जाकर के मारा था उसने अपनी गोली से मारा था कि मैं तुझे तो मारने आया हूँ वो कहीं भाषण कर रहा था तो उसे कह करके उसे गोलियां मार करके जब वो गिरा तो वो खड़ा रहा इसे गिरफ्तार करो <laughs> एक ताकत थी वीरों के अंदर वीरों के अंदर थी कि हमें बेगुनाह क्यों मारा गया हमारा कसूर क्या था क्या था कोई हमें और ये भी नहीं कि तो एक सदस्य मारा गया परिवार की परिवार परिवार के परिवार मारे परिवार के परिवार हाँ। महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार भी हुए बहुत बच्चों के प्रति भी इतने अत्याचार हुए हाँ। जो बेगुनाह थे बिना वजह वो मारे गए और उसी में ये जो भगत सिंह है इसकी माता ने ये भगत सिंह लाहौर में पढ़ता था तो लाहौर से जब ये वहाँ पे आया सरदार था जिन्हें नहाया धोया बाद में जाकर के वहा उसने देखा कि ये धरती है यहाँ ये जगन्य अपराध हुए है उसने मिट्टी को जो बोतल में डाल करके ले गया अपने माथे से लगाई कि मैं बदला लूंगा जिसने ये काम किया है तो उन्होंने अपना बदला लिया जाकर के असेंबली के बीच में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने एक दुए वाला एक बम फेंका था अच्छा। लोगों को सुचेत करने के लिए जे उन्नीस सौ की बात है और भागे नहीं उन्हें क्या हम मारना चाहते तो आपको मार सकते थे किंतु ये संकेत है कि भारत अपनी आजादी लेकर के रहेगा हम आजादी के बिना हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे आप कुछ भी कर उसी के विरोध में लेकिन ये काम पहले भी हो सकता था ना इतने इतनी जनता नहीं मारी जा सकती थी अगर ये कदम पहले उठाया जाए होते तो देखो विरोध जब उठता है अन्याय जब किसी के साथ किया जाता है तो जो नौजवान है वो बड़कते हैं जो राष्ट्रवादी हैं उनके मन में एक चंगारी एक फूर्ती है और तीनों को फांसी दी गई उनको आ, कोई किसी ने दलील अपील उनकी नहीं सुनी कि अपने देश के लिए कर रहे हैं तो उन लोगों ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया और उनकी फांसी लगना जैसे जैसे अंग्रेज अत्याचार करते गए जुल्म डाते गए क्यों त्यों जो आज़ादी के परमाने थे वो देश के ऊपर मरने के लिए तैयार होते गए और मरते गए और आगे आगे बढ़ते गए आखिर उन्होंने आजादी को आखिरकार फिर हमारा भारत आजाद हो जाथ ही जाथ गया हो। आपके इतिहास के पन्ने अभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं सुनने में अच्छा भी लग रहा है और एक मतलब ये बातें सुन के दिल दहल जाता है कि हमारे भारत के साथ ऐसा हुआ और कई बेगुनाह के बेगुनाह परिवार मारे गए ये सब जानकर बहुत दुख होता है लेकिन आज आखिरकार भारत आजाद हो ही गया अभी आपकी कविता और रह गई है अगली कड़ी में हम फिर से इसको इसी राष्ट्रवादी को जारी रखेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार नमस्कार धन्यवाद मित्रों ये राष्ट्रवाद कभी खत्म नहीं हो सकता मेरी कविता भी अभी तक खत्म नहीं हुई है और अगली कड़ी में इस कविता को हम फिर से जारी रखेंगे यशपाल जी के साथ दीजिए इजाज़त नमस्कार ओम शांति ओम शांति धन्यवाद